सब इसी भैन भाई सलाम मेरी तरफ ठीक है जी। मेरा नाम कुरम शहजाद है ठीक है। मेरी बीवी का नाम रुखसान है। मैं अपनी वाइफ को दो दिन पहले नश्तर कलोनी तो उसके जो नबा तो निकलिया वा तो जनरल मेडिसिन लैन सी हार्ट की पेशेंट तो नश्तर कलोनी तकरीबन तीन चार मुंडिया के मुहाफिज आए ने घेरिया बदतमीजी की तो मेरी वाइफ को खो के मैं लै गए ठीक है। मेरी वाइफ को किसी तरीके ने भी उन्होंने घर भिजवा दिता है तो सर मैं थाने जाके उन्होंने बहुत ज्यादा मारे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है तो मैं कहते कि तेरे पुत्र भी चुक लिया वांगे ठीक है जे तू सा गल ना मनी तो लिहाजा सर मैं इन्होंने बहुत परेशान मेरे ते मुख्तलिफ मुकदमात पाने चाह रहे सन तो लिहाजा उन्होंने मैं मेरी पिक्चर खिंच के छड़ दिता तकरीबन कुछ मुआवजा मेरे को लिता पैसे मैं अपने घर की कुछ चीजा वेच के दिते ने मेरे घर के हालात ने चुके लै गए ते मेरा उन्होंने भजा के परचा दे दिता सी कि मेरे चारे प्यो पुत्र जुआ खेडदे ने ते इन्हां दी एफआईआर मेरे को मौजूद है एविडेंस दे नाल। किन्नी एफआईआर है तेरे खिलाफ? सर मेरे खिलाफ 5 एफआईआर ने जेडी दो सच्चियां ने ते जेडीयां 5-3 झूठियां ने। सच्चियां ने ओ किस चीज दी सच्ची? सर लड़ाई दी ओ लड़ाई दी लड़ाई दी ते बाकी जुवे दी जुवे दी मेरे बच्चों दे नाल जेडी दित्ती गई झूठी असीं चार प्यो पुत्र जुआ पर सिते नहीं खेल सकदे ना ते तुसीं जुआ खेलदे सो खेलना सा मैं लिहाजा मैं डराया जा रहा है पुलिस से रोके भी तेरे पुत्र को भी चुके लिया जाएगा तो भी तकरीबन मनशियात का पर्चा दिता जाएगा तो लिहाजा सर मैं जुमे च सिर्फ वह भी 8 महीने पहले सा पुलिस तंग कर दी थी सीसीपीओ लौट गए दरखास्त दी हूँ उस इंतकामी कार्रवाई कार्रवाई हो रही तो कह रहे हैं कि जे तू दरखास्त दी हाँ जी तो ऐसा इंजाम असं तुम दसागे कि होंगे क्यों तुम सर ऐसा हो जाते कि मैं दो दरखास्तां पहले दिखाई सी समान काफी चुके लै गए ठीक है दरखास्त मैं जाके दिखती थी खुदावंद इस मुल्क हमेशा अपनी पनाह हिफाजत सलामती रखे। सर मैं कभी कोई नशा नहीं किया ना सिगरेट ना पान ना चरस ना कोई शराब भी नहीं कभी नहीं की मैं डीएनए टेस्ट भी करवाया जा सकता है। मेरी तकरीबन 47 साल उम्र है 47
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਸੜਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਾਫ਼ੁਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ਼ ਤਹਾਫ਼ੁਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਹਾਫ਼ੁਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।